ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए रोहित ने रातों रात टीम इंडिया में शामिल किया दुनिया का नंबर वन युवा ओपनर बल्लेबाज। जी हां दोस्तों, आखिरकार कौन सा है वो खिलाड़ी जो चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए होने जा रहा है टीम इंडिया में शामिल, बताएंगे आपको झाकर खिलाड़ी का नाम इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आपके मुताबिक क्या टीम इंडिया चौथे टेस्ट मुकाबले को जीत पाएगी या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फिलहाल बॉर्डर गावस्कर सीरीज के दौरान कुल चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसके शुरुआती तीन टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं। भारतीय टीम ने सीरीज के शुरुआती दोनों टेस्ट मुकाबले जीतकर इस चार टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तीसरे टेस्ट मुकाबले को जीतकर सीरीज में वापसी की है। अब इस सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है। हालांकि टीम इंडिया की निगाहें चौथे टेस्ट मुकाबले को हर हाल में जीतने पर होगी, क्योंकि टीम इंडिया अगर चौथे टेस्ट मुकाबले को हार जाती है तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा चौथे टेस्ट मुकाबले को जीतने के लिए टीम के प्लेइंग 11 में एक धाकड़ खिलाड़ी की एंट्री करा सकते हैं। शुरुआती तीनों ही टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी कुछ खास अच्छी नहीं रही है। ऐसे में चौथे टेस्ट मुकाबले में टीम में एक खतरनाक खिलाड़ी शामिल होने जा रहा है, जो अकेले अपने दम पर चौथे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया को जीत दिला सकता है। दरअसल हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सरफराज खान है। सरफराज खान का हालिया घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा है। हालांकि उन्हें शुरुआती तीन टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन चौथे टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा इस खिलाड़ी को स्क्वाड में शामिल कर सकते हैं। और सरफराज खान हमें चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सरफराज खान को कप्तान रोहित शर्मा चौथे टेस्ट मुकाबले के प्लेइंग 11 में मौका देते हैं या नहीं, और अगर देते हैं तो किस खिलाड़ी के बदले देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कौन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।